हाय हेलो फ्रेंड्स, आशा करुच आपण मैंने भल रे। चलतु आज मुझे आसीचु आनसेंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आउ एक पार्ट। फ्रेंड्स, पूर्व आम कवर कर सारी ऑलरेडी मयूरवान डायनेस्टी, तापर कवर कर नंद डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी आउ सातवाहन डायनेस्टी, ये चारोटी पार्ट गोटे वीडियो कवर कर सारी। यदि आपने देखी ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दि जाए, आपने देखने पे आरंभ करवा। आम गुप्त डायनेस्टी विषय किसी कथ, मथुराज, तापर नल डायनेस्टी आउ शैलोद्भव डायनेस्टी विषय किसी कथ आम आज कहूँ। जदि आपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल ओडिशा स्टडी 24 को आपने सब्सक्राइब करनीं, अनेक प्रकार ओडिशार जीके विषय आपने जापारे और नोटिफिकेशन अन् करदिंटे, जो थी भिड अपलोड है सीधा सड़क आपने देखिपर। चलते एवं स्टार्ट करवा गुप्त डायनेस्टी उपर। अराउंड 350 AD गुप्त मैंने ओडिशार शासन करते। जदि आम राजा कथा कह प्रथम समुद्रगुप्त आसी ओडिशा शासन ही आरंभ करते। समुद्रगुप्त जो समय ओडिशा को शासन करते, ओडिशा डिवाइड हो जाता 4 प्रिंसिपालिटी, मानते छोट छोट अंचल डिविजन हो जाता, जार नाम था कोटुरा, एर्नदाबला, देवराष्ट्र, विस्थापुर। यहपरी चारोटी अंचल डिविजन हो जाता। ये चारोटी अंचल को, ये समग्र अंचल को समुद्रगुप्त कौन कले ना जोबले निजर शासन आरंभ कले से समय से सब अंचल को आनेक्स कर निज किंगडम मिसे देखे। तापर आसते किए ना मथुराज, मेनली ए डायनेस्टी किंग मान मेनली प्रथम तो शासन करते कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा ए रीजन रे शासन करते। प्रथम किंग था किए विशाखा वर्मण, विशाखा वर्मण थे ए डायनेस्टी प्रथम किंग। सेमती पॉलिटिकल कैरियर को देखा तो पॉलिटिकल कैरियर से स्टार्ट करते कौटी ना मॉडर्न पारला कैमरे हिंसा पॉलिटिकल कैरियर को स्टार्ट करते। सेकंड किंग आसा किए ना उमा वर्मण, उमा वर्मण थे कहार ना विशाखा वर्मण सक्सेसर थे आसते, जेकि निजक डिक्लेयर करते कौन ना द लॉर्ड ऑफ कलिंग। फ्रेंड्स, ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पाए तो क्यों राजा निजक लॉर्ड ऑफ कलिंग बोली डिक्लेयर करते, तार आंसर आसो उमा वर्मण, सेकेंड किंग हम मथुराज। सेमती उमा वर्मण कौन करते ना सिफ्ट करते कैपिटल को कौट की सिंगापुर को, जोटा प्रथम कारलाखेमुंडी थी कारलाखेमुंडी सिंगापुर को सिफ्ट करते। आपर आसते थर्ड किंग थे कि ना महाराज शक्ति वर्मण, महाराज शक्ति वर्मण थे सक्सेसर ऑफ उमा वर्मण। ही एक्सटेंडेड हिज फ्रंटियर फ्रॉम महानदी इन नॉर्थ टू कृष्णा रिवर इन साउथ। महानदी थरु नॉर्थ रा महानदी थरु कृष्णा रिवर इन साउथ रे जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी राजत करिवर परिसीमा थी से फ्रंटियर को से एक्सटेंड करते कौट महानदी इन नॉर्थ रु कृष्णा रिवर इन साउथ पर्यंत लंबे जिनसा क्या पीरियड में होता ना थर्ड किंग महाराजा शक्ति वर्मण पीरियड में। सेमती ही ट्रांसफर्ड अगेन हिज कैपिटल फ्रॉम सिंहपुर टू विस्थापुर इन साउथ कलिंग। थर्ड किंग जी थे किए महाराज शक्ति वर्मण, से मध्य कैपिटल को ट्रांसफर कर देते सिंगापुर ठार कौटी ना पीठ। नेक्स्ट देखा नल डायनेस्टी। फ्रेंड्स, नल डायनेस्टी ओडिशा रे तार राजत्व विस्तार बहुत कम दिन करेसी अंचल को निज अक्तिर को नहीं पार नाला। प्रथम तो जो फास्ट किंगडम एस्टाब्लीश करते कौट करते ना त्रिकलिंग रिजन, त्रिकलिंग रिजन से नियरेस्ट कोरापुट और कलाहांडी पाखापाखी थी जो त्रिकलिंग रिजन जहाँ को कहला। सेमती कैपिटल कौटी ना तक कैपिटल थी पुरुषकृति आ प्रथम किंग थे किए कार नल डायनेस्टी, नल डायनेस्टी प्रथम किंग थे विषाद भज, नल डायनेस्टी प्रथम किंग थे विषाद। तापर आसिले किए तापर कौ डायनेस्टी आसते तापर आसते किए शैलोद्भव डायनेस्टी। शैलोद्भव डायनेस्टी एस्टाब्लीश्ड हिज डायनेस्टी इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा। ये डायनेस्टी कौन कर ना ओडिशार कोस्टल रीजन निजर पॉलिटिकल आस्था विस्तार कर। सेमती से टेरिटोरी विषय जब कह टेरिटोरी कंगोड़ा मंडल बोली जना जाए टेरिटोरी राजत करवा अंचल थी कौट कौ पर्यंत ना महानदी इन नॉर्थ रु महेन्द्रगिरी इन साउथ पर्यंत व्याप्त था। सेमती नेक्स्ट किंग आसते शैलोद्भव पर आसते किए रणभीता, रणभीता किंग ओडिशा कह जाऊला धर्मराज वन बोली कहुला। फ्रेंड्स, ये थिला चारोटी डायनेस्टी विषय किसी तथ्य जोटा कि आम आपण को नेक्स्ट आउ चारोटी विषय में आनसीएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लास्ट पार्टे
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ହିଁ କଭର କରିନେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା MCQ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖିନେବା ଏ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମରାଠା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ନଦୀ ଠାରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ନଦୀ ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି GK ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।